कोरोना संक्रमण के चलते समाज के जरूरतमंद वरिष्ठ जनों को लॉकडाउन के दौरान मदद मुहैया कराने के लिए राजगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है। कोरोना संक्रमण का दौर है और इस दौरान लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस सतत प्रयास कर रही है। तो वहीं जो लोग विषम परिस्थिति में हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय सहित समस्त थानों में टीम तैयार करवाई गई है जो जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों की सूचना के आधार पर मदद मुहैया करवाएगी। अम्मा जी क्या नाम है आपका? नारानी बाई। अम्मा जी क्या समस्या हो गई थी? पुलिस वाले आए थे आपके यहाँ कुछ दिन, क्या हुआ था? ये दवाई आपको किसने दी? दवाई पुलिस वालों ने। अच्छा हाँ। आप? दवाई आपकी खत्म हो गई थी क्या? हाँ, दवा खत्म हो गई। आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? हाँ, अकेली रहती हूँ, मैं किराए से रहती हूँ। कोई नहीं आपको? हाँ, सब भजन मंडली वाली साथ दे रही हैं मेरे को, तो पारन चौक में भजन करती हूँ मैं, तो भजन मंडली वाली सब साथ दे रही हैं ये सब आस पास। ये दवाई किसने ला के दी आपको? पुलिस वाले ने। अच्छा, ठीक। ये आज से राजगढ़ पुलिस द्वारा एक योजना लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत। पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है कि कई जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं और वो संभवतः अपने उम्र की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार टेक्नोलॉजी को यूज़ भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालाँकि प्रशासन पुलिस के स्तर पर बहुत होम डिलीवरी और अदर चीज़ों का प्रयास किया गया, बट फिर भी कई बार अनुभव और उम्र के कारण इनको दिक्कतें होती हैं। इस समस्या से कुछ फ़ोन हमको डायल 100 पर भी प्राप्त हुए और कुछ फ़ोन हमको कंट्रोल रूम में भी प्राप्त हुए। इनके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की तो हमारे जो दोनों DSP प्रोबेशनर हैं अजय रिठौरिया और प्रतिभा शर्मा, दोनों के द्वारा एक योजना तैयार की गई वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत। इसमें अभी हम जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सम्माननीय लोग हैं, उनको 8 जो स्कीम्स हैं उसके संबंध में मदद उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि मास्क और सैनिटाइज़र की अगर क्या असुविधाएँ इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या अभी इनके घर में सैनिटाइजेशन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, साथ ही चश्मा टूट जाता है या ईयर मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, प्लस कई बार हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टरों से इनका अपॉइंटमेंट करवाएंगे, राशन और जो अन्य सामान है आटे पिसना है मसाले पिसना है जो ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाते उसके बीच में हम कोऑर्डिनेट कराएंगे, साथ ही मोबाइल रिचार्ज और TV रिचार्ज ये फैसिलिटीज़, ऑनलाइन ई पास अप्लाई करना है या ऑनलाइन अदर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है वो, और कोई पुस्तकाएँ हैं जो विशेष इनको यहाँ उपलब्ध करानी है लोकल स्तर पर उपलब्ध होगी इनको इनके फ़ोन करने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें एक कंट्रोल रूम के स्तर पर 24 घंटे के लिए नंबर दिया गया है, 24 घंटे कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगा और प्रत्येक थाने में एक महिला रक्षक इसकी नोडल अधिकारी रहेगी, जिनको सूचना प्राप्त होने पर वो संबंधित जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। Phase 2 में इसको एक्सटेंड करके हम लोग अलग अलग सर्विसेज में जो भी डिस्काउंट हम अपने स्तर पर इनको उपलब्ध करवा सकते हैं दोनों के बीच में मीडिएशन करके वो भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।